साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं है, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं, और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग, ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। इस संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष चक्रंच कुतंच खड़गंच छुरी का गदा सप्तमं बाहु युद्धम शादेवं युद्धानि सप्तदा। यानी धनुर्विद्या से जुड़ी 7 प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें धनुष्बाण, चक्र, भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, डैगर, गदा और कुश्ती शामिल है। साथियों, स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है। जहां मुंबई में अभी हम हैं, वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। धौलावीरा 5000 साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां 2 स्टेडियम सामने आए हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। भारत की एक और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की यह विरासत पूरे विश्व की विरासत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता,